आईपीएल 9 की धुआंधार शुरुआत हो चुकी है, जहां एक तरफ खिलाड़ी मैदान पर अपना जलवा दिखा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ कमेंटेटर अपने शब्दों का जादू चला रहे हैं। सिद्धू से लेकर वकार यूनुस तक सब कमेंट्री बॉक्स से अपने शब्दों के तीर चला रहे हैं, लेकिन अगर आईपीएल 9 में वो एक आवाज़ हमें नहीं सुनाई दे रही है जो शायद क्रिकेट की एक पहचान बन गई है, मशहूर कमेंटेटर हर्षा भोगले आईपीएल 9 में कमेंट्री नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें आईपीएल के कमेंटेटर पैनल से ही निकाल दिया गया है। भोगले को आईपीएल 9 में कमेंट्री करने से हटाए जाने के मामले पर बहस छिड़ गई है। इस बारे में कहा गया था कि भोगले बांग्लादेशी क्रिकेटरों की तारीफ की थी या नागपुर में विदर्भ क्रिकेट संघ के एक अधिकारी से उनकी झड़प हो गई थी, जिसकी वजह से उनका करार खत्म कर दिया गया, लेकिन उन्होंने इस मामले से खुद को पूरी तरह से अलग कर लिया है। हर्षा ने ट्वीट किया, आईपीएल 9 का हिस्सा बनकर अच्छा लगता, मैं इसके बारे में सोच रहा था, ये मेरा पसंदीदा टूर्नामेंट है, उम्मीद करता हूँ ये सीजन ब्लॉकबस्टर होगा। आपको बता दें कि हर्षा हाल ही में T20 विश्व कप में भारतीय खिलाड़ियों की आलोचना और विदेशी खिलाड़ियों की प्रशंसा करते नजर आए थे। उनकी इस कमेंट्री पर अमिताभ ने भी ट्वीट कर नाराजगी जताई। अमिताभ ने कहा था, मैं सबका बहुत सम्मान करता हूँ, हमारे कमेंटेटर्स को भारतीय खिलाड़ियों की भी तारीफ करनी चाहिए जैसे वो ज्यादातर दूसरे खिलाड़ियों की करते हैं। मैं सुनील गावस्कर और संजय मांजरेकर की बात नहीं कर रहा हूँ। भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भी अमिताभ बच्चन का समर्थन करते हुए लिखा, मुझे कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। भोगले ने सोमवार को अपना पक्ष रखते हुए स्पष्ट किया कि वो मात्र एक क्रिकेट कमेंटेटर हैं और उनका करार स्टार स्पोर्ट्स से है न कि आईपीएल से। हालांकि उन्होंने साथ ही कहा कि उन्हें अभी तक भी आईपीएल कमेंट्री से हटाए जाने का कारण नहीं पता चला है। भोगले ने इस मामले पर अपने फेसबुक पेज पर लिखा, मुझे अब भी नहीं पता कि मैं आईपीएल का हिस्सा क्यों नहीं हूँ, मुझे नहीं बताया गया। मैं इस तथ्य को स्वीकार करता हूँ कि लोग मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ऐसा इसलिए नहीं है कि मैंने जो कहा उसकी खिलाड़ियों ने शिकायत की। हम कभी सभी चीज़ों से सहमत नहीं होते, लेकिन मेरी हमेशा इच्छा होती है कि वे अच्छा प्रदर्शन करें। मैं उन्हें रन बनाने या विकेट लेने या कैच पकड़ने से नहीं रोक सकता, ऐसा करना उनका काम है। उन्होंने क्या किया या क्या नहीं किया यह बताना मेरा काम है। हमारे रास्ते सराहना और असहमति से भरे हैं, यह काम की प्रकृति है। और फिर चाहे आप एक विश्वविद्यालय स्तर के क्रिकेटर हों या सबसे अच्छे, मैं एक कथावाचक रहूंगा लेकिन कोई कहानी नहीं हूं। बहरहाल अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर हर्षा को कमेंट्री पैनल से हटाने की वजह क्या है, लेकिन आईपीएल 9 में हर्षा के न होने से उनके चाहने वालों में मायूसी जरूर है।